सर, आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि IAS की बात करते हैं। जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है, उसको MCD ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर में हो जी करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने भी पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि IAS से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1,000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2,000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर NOC की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितने बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2,000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी जी ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर NOC फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर NOC कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर NOC नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें NOC पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है, उसमें ऑफिस ही चल रहा था। पर अभी MCD पर जो दबाव था, उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ। दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्जिट हैं, सातों एग्जिट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहाँ कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग वहाँ पर लगातार होती है, फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहाँ पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि जहाँ तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई, 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके टेनेंट हैं, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, उन्होंने कन्वेंस डीड की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई, हाई कोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। DDA और MCD के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठी MCD ने लिखी हैं, कई DDA ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी ही 28 अगस्त को, ये फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को, न केवल क्लास में मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दें,
क्लास में जा जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक कि उनसे आज से करीब एक साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोलबाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने एक साल पहले क्या क्या वोट भरा, और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर निश्चय कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे। हमें ऐसा लगता था कि जो चिंता ज़्यादा फायर की है, और ऐसा पिछले साल हुआ भी था, दिल्ली में एक घटना हुई थी, कुछ साल पहले सूरत में हुई थी, अभी गुजरात में एक दो घटनाएं और घटी हैं कि गेमिंग जोन में अचानक आग लगी। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी इस साल थी, उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी इंसिडेंट में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थी, रात दिन ए सी चल रहे थे, उतना लोड उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं जाके सर्वे करके देखिए, अधिकांश इंस्टीट्यूट्स में केवल एक एंट्री एक एग्जिट है, एक ही रास्ता है। सबसे बड़ी चिंता, उसी रास्ते पर मीटर लगे हुए बिजली के, जो पिछले साल दिल्ली की एक संस्था में आग लगी जिसमें कुछ बच्चों को थर्ड फ्लोर से जंप लगाना पड़ा, चोटें लगी, लेकिन गनीमत है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या हुआ था उसमें? एक ही रास्ता है, उससे मीटर है, उसमें आग लग गई, धुआं ऊपर गया, और शुरू में बच्चे ऊपर छत पे नहीं जा पा रहे थे, बाद में खैर दरवाज़ा खुला, वो चले गए वहाँ पर, लेकिन तब तक कुछ बच्चे जंप लगा चुके थे। चाहे सूरत हो चाहे कुछ भी हो, मूल खतरा आग से होता है, और दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है, और जब जब सर्दियाँ पड़ेंगी, सर्दी में फिर हीटर चलेंगे बहुत ज़्यादा, गर्मी में विशेष रूप से एक महीना इतनी दिक्कत रहती है। और इस साल हमने पहली बार ऐसा किया कि गर्मियों में बच्चों को ये कह के लगभग 15 दिन या एक महीने की छुट्टियाँ दी, ऑनलाइन क्लास करवाई कि गर्मी ज़्यादा है, कहीं इस समय ऐसा ना हो कि एसी चलने से कोई आग लग जाए, हादसा हो जाए। ये पहली बार हुआ, और 3-4 इंस्टीट्यूट जो मेरे परिचय में थे, उससे मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं और कहीं कोई दिक्कत ना हो तो आप भी हो सके तो छुट्टियाँ करें या ऑनलाइन क्लास करें कुछ दिनों के लिए। हमारे जहन में ये बात कभी आई नहीं थी कि पानी भर सकता है। आज से 3 साल पहले केवल एक घटना हुई, जब दिल्ली में यमुना का पानी बहुत बढ़ा। इस मॉल के पास में एक नाला है, करीब 50 एरियल डिस्टेंस, 50 मीटर के आसपास या 30 मीटर के आसपास होगा वहाँ से, उसमें पानी का लेवल भरने लगा। जैसे उसमें पानी का लेवल भरने लगा, हमने अपने इंस्टीट्यूट में 7 दिन की छुट्टी कर दी कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा हम क्लास नहीं लेंगे। 7 दिन छुट्टी हुई, ऑनलाइन क्लास चली, बच्चे वहाँ चले गए। 3 दिन पहले जो घटना घटी, उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं MCED का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है, और मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ अनसेफ तरीके से क्लासेस चलती हों, हमारी हो किसी की भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बन जाए, जो पॉलिसी मतलब क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे भी फायर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी दिक्कत है, आप फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जब मांगते हैं, पहली बात तो सीधे इश्यू नहीं करते, वो कहते हैं कि आप MCED के थ्रू आओ, DDA के थ्रू आओ। आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा गया, और आज फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें किसी व्यवस्था बनाएंगे कि सीधे हमसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। MCED कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं, केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को मिलता है। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि 2020 से पहले DDA की भाषा में हम एजुकेशनल बिल्डिंग वाली एक्टिविटी में नहीं थे, हम कमर्शियल एक्टिविटी में थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स GST के हिसाब से आज भी कमर्शियल एक्टिविटी है, और इसलिए जो GST में हमारा टैक्स जमा होता है वो कमर्शियल कोचिंग नाम से होता है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग में हम काम कर सकते हैं, हम वहाँ काम करते थे। जिस मॉल की बात आप कर रहे हैं, उस मॉल के मालिक ने मुझे कई बार ये विश्वास दिलाया है कि कमर्शियल मॉल के तौर पर इसके पास NOC है। कैसे है? कन्वेयंस डीड में लिखा हुआ है, DDA इज़ गिविंग द कन्वेयंस डीड
ऑन द बेसिस ऑफ द फायर क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, लेकिन बेसमेंट के पास पूरी क्लैरिटी ऐसी नहीं थी। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने कि 2018 में जब FAR के रूल्स चेंज हुए, फ्लोर एरिया रेशो बोलते हैं, जब रूल्स चेंज हुए तो एडिशनल FAR उनको मिला है और एडिशनल FAR के लिए उन्होंने DDA में अप्लाई किया हुआ है कमर्शियल FAR बनाने के लिए। अगर वो कमर्शियल FAR है तो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। वी हैव बीन अंडर दिस इम्प्रेशन, और हमेशा ध्यान रखना है जब बेसमेंट को लेकर हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाजार बेसमेंट में ही है, दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने DDA में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल FAR में इसका NOC मिले। अगर कमर्शियल NOC मिल जाता, NOC क्यों नहीं मिल रहा? DDA का मानना है कि ये काम MCD का है, MCD का मानना है कि काम DDA का है। MCD ने कई पत्र DDA को लिखे, DDA ने कई पत्रों में जवाब MCD को दिया, और यहाँ तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पिछली मीटिंग में हाई कोर्ट में DDA ने पहली बार ये कहा कि हम MCD को राइट्स दे रहे हैं, और अब MCD जो कल हियरिंग होने वाली, शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते हैं उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीज़ें जैसी फैल जाती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर MCD को हमने सबमिट किया हुआ है, DDA को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है NOC के लिए कुछ महीने पहले, अब तक वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका, और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है, और नक्शे में नहीं है वो रियलिटी में भी है। सर आपने अभी एक बात बोली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई, और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले तो फायर सेफ्टी के साथ चले।